एक बार ज़ूम इन करके दिखाया जाए। नूडल्स है, यही अच्छा है यहाँ का। एंड ऑल्सो सैंडविचेस, टी, कॉफी विद वेरी वेरी चीप, आई कैन से वेरी वेरी चीप। फिर अंदर आके देखा कि यहाँ पे तो सारा एकदम मील वील का चक्कर है, तो हमने फर्स्ट डे ट्राई किया। दूसरा मेन है ना कि ये कॉलेज के कैंपस में है, तो बहुत इजीली होता है अफोर्डेबल रेंज में। भुवन, आज हम आ गए हैं सेक्टर 5 के अंदर, राइट। एंड यार मैं बहुत काम के लिए इधर आता हूँ, एंड एक बहुत बढ़िया चीज तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जितने सारे व्यक्ति सेक्टर 5 में काम करते हो, चाहे इस बिल्डिंग में, चाहे कॉग्निजेंट में, चाहे तुम्हारे कोई और आईटी कंपनी के अंदर, जो कि इधर पढ़ने के लिए आता है, टेक्नो, आईएम, ये सब कॉलेज के अंदर, राइट। एंड सबका यार प्रॉब्लम है कि भैया जो जगह है सेक्टर जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, ठीक है, इस जगह में ना सस्ते में यार कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है बहुत महंगा है, क्योंकि ऊँचे ऊँचे जो बिल्डिंग्स लोग देख रहे हो मेरे पीछे, राइट, इसी के चलते सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा यार महंगा, एंड ऑब्वियसली है भी, ठीक है। बट मैं भी काम करने आता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा जगह मिला है, ठीक है, जो कि आज मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया कैफे, चलो लाइट कैफे, ठीक है। इस कैफे के अंदर मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा, तुम लोग देख सकते हो उधर, जो कि आईएम आश्रम बिल्डिंग के अंदर है। अगर इसका लोकेशन पूछा जाए तो ये क्रोमा का, तुम्हारा जो तुम लोग देख पा रहे हो क्रोमा बिल्डिंग, एंड कॉग्निजेंट के बगल में ही है। सो जितने सारे लोग जो सेक्टर 5 में यार काम करते हो, चाहे तुम आईटी हो, मतलब आईटी में काम कर रहे हो, या फिर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए बहुत सस्ते में कुछ खाना हम दिखाएंगे, सो जो कि यार बहुत बढ़िया होगा, बहुत टेस्टी होगा, एंड बहुत हेल्दी भी होगा, ठीक है। तो कम, चलो देखते हैं कैसा कैसा खाना होता है, ठीक है, लेट्स सी। आहाना नंदी, योर नेम? कृतिका सिंह। आकाश मित्रा। अच्छा, तुम भी आकाश हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, माय नेम इज प्रदीप घोषाल एंड आई एम अ रेगुलर कस्टमर ऑफ दिस स्टारलाइट कैफे। देवोश्री घोष। पायल चैटर्जी। बीसीए। बीबीए। लोग क्या इस कैफे से ही खाना खाते हो? हाँ हाँ, रेगुलर। हाँ, बजट फ्रेंडली तो है, इसलिए तो आते हैं यहाँ पे एवरीडे, एंड आई टेक लंच फ्रॉम हियर। सी द इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेस इज दैट यू गेट फ्रेश हेल्दी फूड इन सॉल्ट लेक सेक्टर 5। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं, खाने का उतना अच्छा मतलब बंदोबस्त नहीं है, ठीक है। Exactly, very good. का क्वालिटी एकदम अच्छा नहीं है, क्वांटिटी अच्छा नहीं है, इट्स नॉट हाइजीनिक इनाफ। तो मैं इस एरिया में, मेरा ऑफिस जो है, आ रही हूँ ऑलमोस्ट एक साल से, तो इतने दिन से यही प्रॉब्लम था, या तो जोमेटो से ऑर्डर करना पड़ता था या आरडी भी जाना पड़ता था, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि अच्छा खाना मिलता है। तो एक दिन देखा कि यह स्टारलाइट कैफे करके खुला हुआ है, तो हमने यहाँ आई थी बेसिकली कॉफ़ी ढूंढने, हमने सोचा कैफे कॉफ़ी ऑफी मिलेगा। फिर अंदर आके देखा कि यहाँ पे तो सारा एकदम मील वील का चक्कर है। ये कॉलेज के कैंपस में है, तो बहुत इजीली होता है, अफोर्डेबल रेंज में मिल जाते हैं, वैरायटीज भी है बहुत सारे। क्या क्या वैरायटीज है? लाइक मोमोज आ जाते हैं, थाली मोस्ट प्रोबेबली, लाइक स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ के हैं नहीं, मतलब बाहर से आते हैं, पीजी वगैरह, हॉस्टल, बाहर से भी सब लोग आना अलाउड है, राइट, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट्स नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, इट्स फॉर एवरीवन। यस, तो बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, एनवायरनमेंट भी बहुत सही है। लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन हैव योर लंच, वेयर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर आउट रोड साइड। कूलर इन दिस प्रीमाइसेस, यू विल हैव फैन, यू विल हैव एसी, यू विल हैव अ टेलीविजन एडवांटेज, राइट नाउ द वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन, एंड ऑल्सो यू विल फाइंड वेरी चीप फूड। तो हमने फर्स्ट डे ट्राई किया ये आपका क्या आपका फर्स्ट डे है? नहीं, दिस इज माय लाइक फिफ्थ और सिक्स्थ डे। नो, सेकंड वीक आई गेस, सेकंड वीक। वीक, सो आप रेकमेंड करेंगे सबको जैसे खाने के लिए? जरूर, हम तो मतलब मेरे सारे कलीग्स को बोलते हैं, जो जो डब्बा नहीं लाते हैं लंच, तो उसको बोलते हैं कि चलो अगर अच्छा खाना, घर का स्वाद अगर तुमको मिलना है तो पास में। ऑफिस करने के टाइम घर से खाना बना के लेके आना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? फॉर एग्जैक्टली, समटाइम्स बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अभी ये जब मतलब ठिकाने लग गए हैं, अब तो तकलीफ दूर हो गया। अच्छा, बड़ा बात है, धूप में बाहर नहीं निकलना पड़ता है, इसी में बैठे खाना मिल जाता है, बस और क्या बात है, डेली का बजट भी हो जाता, बस काम चल जाता। फेवरेट फूड क्या है इधर का? एक बार ज़ूम इन करके दिखाया जाए। नूडल्स है, यही अच्छा है यहाँ का। ये खा सकते हैं ना? हाँ, हम टेस्ट करके देखेंगे। अच्छा, ओके, खाएंगे। तुम्हारा? चिकन मोमोज, चिकन चॉप। मोमोज। सारा दिन कॉलेज करने के बाद मतलब तुम लोग कुछ कॉफी टॉफी खाने का मन नहीं करता? मिलता है ना कॉफी, चाय चाय तो लगता है भाई। वेरी चीप वेज एंड नॉन वेज थाली, एंड ऑल्सो सैंडविचेस,
टी कॉफी विद वेरी वेरी चीप. आई कैन से वेरी वेरी चीप. योर फेवरेट फूड फ्रॉम दिस ऑफ दिस कैफे? माय फेवरेट फूड इज डेफिनेटली अ नॉन वेज थाली व्हिच कंप्राइजेस ऑफ चिकन ऑब्लिक फिश एंड सब्जी एंड आलू फ्राई एंड दाल एंड राइस एंड इवन द वेजिटेरियंस ऑल्सो दे कैन हैव वेजिटेबल्स ऑब्लिक देयर टू वेजिटेबल्स दाल आलू फ्राई एंड राइस. इट्स अ वेरी चीप convenient and I'm sure those who are working in office will have a very economical budget here. क्या क्या लिए है थोड़ा मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा zoom करने के लिए. हाँ अच्छा आज तो like मेरा है normal थाली chicken थाली लिया है. कितना चीज दिया है? 1 2 3 4 5 6 items से दिया है. अच्छा इसका cost क्या है थोड़ा audience को? chicken थाली के अगर हिसाब से देखा जाए बाहर में मुझे पता भी sector से ले रही है मैं right? exactly. AC में के अंदर बैठ के exactly. तो ये मतलब 100 rupees पड़ता है बट इट इज़ लाइक क्वाइट कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल ऑल्सो. ऑफकोर्स इट्स हाइजीनिक और यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हैं. यहाँ सेक्टर 5 में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे भी ऐसे चावल खाने का मिलता है ना तो पीछे कोई ना कोई खड़ा रहता है कि जल्दी. एग्जैक्टली वो वाला नहीं है तो मुझे उससे बहुत शांति मिलती है बेसिकली. दिस पर्टिकुलर कैफे ओपन्स फ्रॉम 9 o'clock एंड ओपन 9 to 9. दिस इज अ 9 to 9 कैफे and you will have food from 9 to 9. So whatever time session you come, you will get the food of that particular store. So I recommend to all the students, all the working professional and the people who are visiting these kind of places like Sector 5, SDA building, Salt Lake or any government officials. Exactly. And also government officials, those who come, please come. And those who are passing by, this particular premises is in IEM Ashram building. बहुत पीसफुल एंड होमली एटमोसफियर. और यहाँ पे और एक चीज, खाने का क्वांटिटी, खाने का क्वालिटी एंड टेस्ट ऑल आर वेरी गुड एंड द स्टाफ आर वेरी केयरिंग. वो बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं कि खाना सही से मिला, टेस्ट ठीक है कि नहीं. अगर और एक बात जो मैं ऑफकोर्स ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई भी मील आप लो उसके मतलब शायद सब्जी खत्म हो गई है तो अगर बोलो तो एड ऑन में पैसे नहीं लगते एक्स्ट्रा. दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू बी नोटेड राइट. एग्जैक्टली हाँ, यहाँ पे आप बाहर कहीं पे भी जाओ, भात हाँ. सब्जी खाओ, एक्स्ट्रा सब्जी, एक्स्ट्रा दाल, सबका पैसा लगता है, यहाँ पे कुछ नहीं लगता है. वी आर सो हैप्पी फॉर दैट फॉर लाइक गिविंग दिस काइंड ऑफ ऑनेस्ट जेन्युइन रिव्यू. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अब देखो तुम लोग आओ ट्राई करो एंड मेरे को कमेंट में बताना कैसा लगा. ठीक है थैंक्स अ लॉट.